और लोगों के पॉकेट हल्के नहीं होते हैं तो देश का भी विकास होता है। और यहाँ पे ही इंतजाम करके लोग जो गरीब लोग हैं उनका फ्री आई का सर्जरी भी किया जाए। प्रधानमंत्री ने जब अपनी आसन ग्रहण किया पहला काम क्या किया, झाड़ू लेके रोड पे गया। क्या चुनाव था उस समय? तो हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों से मिलके। बक्सर लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा में पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह के द्वारा गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 1500 मरीजों का फ्री चेकअप कर मेडिसिन भी दिया गया। आपको बताते चले कि विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर मनोज कुमार पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ है। अगर चिकित्सकों की सूची की बात करें तो इस प्रकार है। डॉक्टर मनोज कुमार पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर रामाकांत कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर आदित्य झा हृदय रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी मूत्र रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर राणा संजय प्रताप सिंह फिजिशियन है। डॉक्टर संजीव कुमार सर्जन है। डॉक्टर संतोष कुमार चौबे फिजिशियन है। डॉक्टर सत्य प्रकाश नेत्र रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर संजीव कुमार नस रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर अमरजीत कुमार दंत रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गौरव वर्मा दंत रोग विशेषज्ञ हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने देखिए क्या कहा। देखिए, ये जो कैंप है वो भाजपा के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, भाजपा रामगढ़ विधानसभा की तरफ से, और हमारे सम्मानित जो विधायक हैं पूर्व विधायक अशोक सिंह जी उनके सहयोग से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें जो भी डॉक्टर आए हैं वो पटना से आए हैं और एक दो डॉक्टर यहाँ के भी हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं सब भाजपा से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हमें समाज के बीच में जाना है और उनके कार्यक्रम के बारे में बताना है और जनता का सेवा करना है, जनता से जुड़ना है, उसी पहल का एक कड़ी है। आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना आसन ग्रहण किया था तो उन्होंने एक संदेश साफ साफ दिया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या होता है कि साफ सफाई रखना, टीका लेना, जो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारे प्रिवेंशन से जुड़े हुए चीज़ थे। और इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बर्डन जो डिजीज़ का है उससे देश बचता है और लोगों के पॉकेट हल्के नहीं होते हैं तो देश का भी विकास होता है। आज के दिन में उन्होंने जो भी आयुष्मान कार्ड का जो लॉन्च किया, गरीबों के लिए जो सस्ती दवाइयां लाई जन औषधि के द्वारा, वो एक गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उसी कड़ी में हम जो चाहते हैं कि समाज के बीच में जाएँ और लोगों की सेवा कर सकें। इसमें पटना से बड़े बड़े चिकित्सक आए हैं, गैस्ट्रो में मैं खुद हूँ, न्यूरो में डॉक्टर संजीव हैं, कार्डियो में डॉक्टर आदित्य झा हैं, ईएनटी में डॉक्टर संजय हैं, आई में डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं, फिजिशियन में डॉक्टर संतोष चौबे और डॉक्टर राणा संजय जी हैं, सर्जरी में डॉक्टर संजीव हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हर विधा के लोग इसमें शामिल हैं और सब अपने अपने जगह पे काफ़ी मशहूर है, प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। लेकिन हमारे कॉल पे और भाजपा से जुड़े रहने के चलते और प्रधानमंत्री जी के संदेश के चलते सब यहाँ आज आए हुए हैं, सब अपनी टीम के साथ हैं। हमारे विधायक महोदय ने कहा है कि आगे यहाँ पे हेल्थ कैंप, न्यूरो स्पेशली जो आई का कैंप करना है और मुफ्त आई की सर्जरी भी करनी है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और अगला जो कैंप होगा वो आई से संबंधित होगा और यहाँ पे ही इंतजाम करके लोग जो गरीब लोग हैं उनका फ्री आई का सर्जरी भी किया जाएगा। तो इस तरह जांच के साथ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट जहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वो भी होगा, उनको व्हाट्सएप पे वो सूचना रिपोर्ट की दे दी जाएगी, जो डॉक्टर साहब देखेंगे वो भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे जिससे वो रिपोर्ट अपना उनको भेज सकेंगे और उधर से डॉक्टर साहब दवा फिर बता सकेंगे। किन रोगों की इलाज हो रही है? करीब करीब सभी रोगों के यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सक उपलब्ध हैं और सभी रोगों का इलाज यहाँ पे होगा। बेसिकली ये जांच की प्रक्रिया है, ट्रीटमेंट तो वैसा इन जो एडमिटेड सॉर्ट ऑफ थिंग वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, बट एक प्रिवेंशन जैसा मैंने आपको बताया कि बीमारियों की पहचान करना,
उसके बाद में सलाह देना, ये हम लोग का मेन उद्देश्य है और उसमें हम लोग सफल भी रहेंगे क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है और हमें भी हड़बड़ी नहीं है। हम लोग आराम से बैठेंगे, समय देंगे और जब तक आखिरी व्यक्ति तक हम लोग देख नहीं लेते हैं तब तक यहीं पर रुकेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है इसलिए कैंप लगाया जा रहा है? नहीं, चुनाव मैं तो पहले आपको बताया, प्रधानमंत्री ने जब अपनी आसन ग्रहण किया पहला काम क्या किया, झाड़ू लेके रोड पे गया। क्या चुनाव था उस समय? आयुष्मान कार्ड आज लॉन्च हुआ कि अभी तो तीसरा उसका चरण चल रहा है। उसी तरह आप गरीबों की जो मुफ्त की दवाइयाँ देखिए, सब चीज़ों पे, मेडिकल कॉलेज देखिए, एम्स आज़ादी के बाद में सिर्फ 5 था, आज 24 हो चुका है। MBBS का सीट्स देख लीजिए आप कितने बढ़ गए हैं, आप PG के सीट्स देख लीजिए कितने बढ़ गए हैं, ना ही सिर्फ एलोपैथिक का, बाकी अन्य विधाओं का भी देखिए, जो भी हमारे देसी चिकित्सा का भी है उसको भी सम्मान दिया जा रहा है और तरह तरह के रिसर्च सेंटर्स उनके भी खुल रहे हैं और काम हो रहा है। तो हम लोग चुनाव के मद्देनज़र कोई काम नहीं करते, हम लोग एक सतत प्रक्रिया के तहत काम करते हैं और ये हम लोग का कोई पहला कैंप नहीं है, ऐसा अनेकों कैंप हम लोग के पास में, अगर आपके पास समय रहेगा तो हम लोग उसका आपको विजुलाइजेशन करा सकते हैं कि हम लोगों ने कितने कैंप किए, सब हम लोग के मोबाइल में ही रिकॉर्ड है। तो ये सब प्रक्रिया चलते रहती है, हमारा आप देखिएगा मेडिकल सेल काफ़ी इफेक्टिव रहता है बाकी पार्टियों से, तो सांस्कृतिक भी जो हमारा प्रकोष्ठ है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है, बुद्धिजीवी मंच भी एक्टिव रहता है। तो हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों से मिलके और उनके दुख दर्द को समझ के उसके संज्ञान लेते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। आगे भी यहाँ कैंप लगेगा या फिर अभी एक अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर दिया है, अशोक जी ने कर दिया है कि अगला कैंप बृहत आई कैंप होगा और उसमें यहाँ पे ही मुफ्त सर्जरी भी की जाएगी सिलेक्टेड लोगों की। तो उस समय डॉक्टर्स की बड़ी, अभी जो टीम आई है बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वो और डॉक्टर्स का टीम लेके आएंगे, आज ही हम लोग उनसे बात कर लेंगे सत्यप्रकाश जी से और ज़रूर वो समय देंगे और विधायक जी के नेतृत्व में वो भी इलाज की प्रक्रिया यहाँ पे होगी, आई का भी कैंप होगा।